गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं हमारा रिव्यू Realme Narzo 20 का। अभी इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद में मैं Realme से थोड़ा नाखुश था, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है Realme C15 से 500 रुपये सस्ता है, लेकिन इसका प्रोसेसर आप देख लीजिए वो Realme C15 से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो बजट सेगमेंट में जो Realme कर रहा है ना, ये अभी इतने सारे फ़ोन लॉन्च कर दिए उन्होंने, इनमें ज़्यादा कोई अंतर भी नहीं है। सस्ते वाले फ़ोन में ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, महंगे वाले फ़ोन में देख लीजिए कुछ और ही फीचर मिल रहे हैं। 500-500 रुपये में इतने सारे फ़ोन आ चुके हैं कि एक फ़ोन का हायर वेरियंट है वो दूसरे फ़ोन के बेस वेरियंट से मैच कर रहा है उसका प्राइस। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके और मेरे मन में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब हमारा तो काम है फ़ोन रिव्यू करना, इतने सारे फ़ोन आ जाते हैं कभी कोई याद नहीं रहता है कि कौन से फ़ोन में क्या स्पेक्स है वगैरह। बहुत ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं, आपकी तरफ से भी देख लीजिए, अगर आप आज मार्केट में जाएंगे आप बोलेंगे कि मुझे 11,000 रुपये से कम में एक फ़ोन चाहिए, आप देखेंगे Realme के इतने सारे ऑप्शन हैं, आप सोचेंगे इसमें कौन सा लूँ, C15 अच्छा होगा या Narzo। स्पेक्स वगैरह देख के भी कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा ताकतवर है या कौन सा कम है, इसमें क्या फीचर मिसिंग है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी, और इस टाइप के माहौल में फ़ोन को रिव्यू करने से पहले इस तरह की वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैनल जो है ये आपके लिए ही बना है। यहाँ पर हम जो रिव्यू बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें सरल हो जाए। तो अगर कोई इशू है इसमें तो इसे सामने से ही बोल देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, Realme इतने सारे फ़ोन लॉन्च कर रही है, ताकतवर प्रोसेसर वाले फ़ोन सस्ते में आ रहे हैं, ख़राब प्रोसेसर वाले थोड़े महंगे में आ रहे हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसके बाद में हम अभी रिव्यू शुरू करने वाले हैं, लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले आप जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर आके हमारे साथ में सब आगे बढ़ सके। Realme Narzo 20 ये C12 और C15 जैसा ही है दिखने में। अब Realme कंपनी काफ़ी बार अपने डिज़ाइंस को रिसाइकल करती है और यहाँ पर भी उसने वही किया है। ये फ़ोन काफ़ी मोटा है और भारी भी, तो अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पेशली एक हाथ से, तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD+ स्क्रीन मिलती है और इसमें काफ़ी मोटे बॉर्डर्स हैं स्पेशली चिन के आसपास। इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे पसंद नहीं आई, धूप में कुछ भी पढ़ने जाते हैं अब तभी लगता है कि ब्राइटनेस और ज़्यादा हो सकती है इसकी। कभी कभी इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी ठीक से नहीं चल रही थी। इस स्मार्टफोन के स्क्रीन रेजोल्यूशन थोड़ा कम है और कलर्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे। अगर आपको बहुत ज़्यादा विविड कलर्स नहीं चाहिए तो आपके लिए ठीक होगा ये डिस्प्ले, और सारी चीज़ें काफ़ी क्रिस्प लगती हैं इसमें, जो अच्छी बात है। इसका स्पीकर काफ़ी औसत है गेमिंग वगैरह के लिए, लेकिन अगर आप गाने सुनना चाहते हैं इसके स्पीकर पर तो आपको मज़ा नहीं आएगा। वाइडबैंड DRM सर्टिफिकेशन L3 तक ही सीमित है, तो HD वीडियो स्ट्रीमिंग आप नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स पर नहीं कर पाएंगे। Realme ने इसमें गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा वर्जन है गोरिल्ला ग्लास का। इसका डिज़ाइन नया तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ज़रूर है। अगर आप इसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपको प्रीमियम फील तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मेरे रिव्यू यूनिट में Android 10 आया था Realme UI के साथ में, और अगस्त 2020 का सिक्योरिटी पैच था, जो अच्छी बात है। Realme UI स्टॉक Android से ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़े बहुत अच्छे एडिशंस कर दिए हैं Realme ने, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन मोड, गेम ऑप्टिमाइजर इत्यादि, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर आता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Realme के कुछ ऐप्स हैं Amazon, Facebook, WPS Office, थीम स्टोर और ब्राउजर, ये सारे ऐप्स तो हैं ही इसमें, और इसमें कुछ ऐप्स काफ़ी फालतू के स्पैम नोटिफिकेशन भी भेजते हैं। Narzo 20 का प्रोसेसर Realme C12 और C15 से ज़्यादा अच्छा है, और इसके कारण डेली यूज़ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। अब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इसके एकदम इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है हर समय में, लेकिन वैसे ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस आता है काफ़ी, और कोई स्टटर की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। ऐप्स में स्विच करते समय कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। MediaTek की Helio G सीरीज़ गेमिंग के लिए जानी जाती है, और इसीलिए मैंने कुछ गेम्स खेले इसमें। Asphalt 9 Legends काफ़ी स्मूथ था, लेकिन फ्लिप्स या फिर क्रैश करते समय थोड़ा बहुत फ्रीजिंग की प्रॉब्लम देखी थी मैंने यहाँ पर। Dead Trigger 2 बिल्कुल चल गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, और Narzo 20 थोड़ा गर्म हो गया था गेमिंग करते समय। अब इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी अच्छी फीचर है इसकी 6000 mAh की बैटरी। सिंगल चार्ज पर Narzo 20 लगभग 2 दिन तक आसानी से चल गया था, और इसमें मैंने काफ़ी हैवी यूज़ किया था, जैसे कि पूरी मूवी देखी इस पर, काफ़ी सारे फोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, और बाकी मीडिया भी स्ट्रीमिंग करके देख लिए, और गेम भी खेल लिए इसमें। HD वीडियो लूप टेस्ट हमारी 29 घंटे और 6 मिनट तक चली, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसके 6000 mAh की बैटरी को ध्यान में रखें तो इसको चार्ज करने में उतना ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इस स्मार्टफोन में जो प्राइमरी 48 MP का कैमरा है वो काफ़ी अच्छी फोटो क्वालिटी दे देता है। बाकी कैमरे की स्पेक्स आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दिन में लिए गए फोटोज में कलर्स काफी अच्छे आते हैं, लेकिन डिटेल्स उतने अच्छे नहीं है और एक्सपोजर भी ठीक से नहीं कर पाता है कभी कभी। कुछ कुछ फोटोज में आप देख सकते हैं कि आसमान में जो डिटेल्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं आती है। फुल 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे आप देख लेंगे कि डिटेल्स तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो उतनी अच्छी डिटेल नहीं दिखाई देती है। नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी अच्छी आती है और नार्जो 20 बहुत जल्दी फोकस लॉक कर लेता है, ये अच्छी बात है। काफ़ी पोर्ट्रेट मोड में आप देख लेंगे कि एजेस काफ़ी जल्दी से डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप ब्लर लेवल एडजस्ट नहीं कर सकते फोटो लेने के पहले या बाद में। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और काफ़ी सारा डिस्टॉर्शन भी हो जाती है फोटोज़ में। लो लाइट में नार्जो 20 के परफॉर्मेंस काफ़ी औसत लगी, शॉट्स काफ़ी वॉश्ड आउट लग रहे थे, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं था उसमें और नॉइज़ और कम डिटेल की प्रॉब्लम तो थी ही उसमें। इसमें एक नाइट मोड दिया गया है जो काफ़ी अच्छा चलता है, ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज नहीं होते हैं और जो ग्रे रीजन्स हो जाते हैं नाइट के फोटोज़ में वहाँ पर थोड़ा बहुत कलर वापस आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट मोड के शॉट्स हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं। कभी कभी डिटेल चला जाता है यहाँ पर और कभी कभी जो रिजल्ट आता है नाइट मोड में वो पहले से अच्छा नहीं होता है। लो लाइट में आप वाइड एंगल कैमरा का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नाइट मोड इस्तेमाल करने के बाद में भी इसके रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे। मैक्रो कैमरा एकदम लो रेजोल्यूशन वाला दिया तो है यहाँ पर, अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी डिटेल, शार्पनेस, कलर रिप्रोडक्शन इसका एक्सपेक्टेशन मत रखिए तो ही अच्छा रहेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अब दिन में लिए गए सेल्फीज़ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन लो लाइट में बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ब्यूटिफिकेशन एनेबल्ड है जो मुझे पसंद नहीं है। पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है जिसने चेहरे को तो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड काफ़ी आर्टिफिशियल लगता है इसमें। 1080p पर जो वीडियो रिकॉर्ड किया है दिन में या रात में उसमें काफ़ी शेकी रिजल्ट्स आते हैं और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है। वाइड एंगल कैमरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आप इन दोनों के बीच में स्विच नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्ड करते समय। Realme Narzo 20 के लॉन्च के साथ में Realme ने बजट लाइनअप में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब Narzo 20 Realme C15 से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन Realme C15 के कुछ वेरिएंट्स से Narzo 20 सस्ता भी है। Narzo 20 में प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है Realme C सीरीज की तुलना में, जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है उसकी तुलना में। तो जैसा मैंने अभी तक कहा है बहुत सारे बार कि Realme Narzo 20 Realme C15 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप मार्केट में हैं सोच रहे हैं कि 10,000 से थोड़ा ऊपर मेरा बजट है कौन सा स्मार्टफोन खरीदूं, आप Realme Narzo 20 लीजिए। उसका प्रोसेसर काफ़ी ताकतवर है, ओवरऑल आपको नाखुश नहीं करेगा। अब कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं मेरी जो मैं आपको बता देता हूं यहां पे, ताकि निर्णय लेने से पहले आप सोच लें इन चीज़ों के बारे में। अब पहली बात तो HD+ डिस्प्ले, 10,000 से ऊपर में जब भी मैं देखता हूं HD+ डिस्प्ले थोड़ा निराश तो होता ही हूं। खैर आजकल इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है फुल HD+ वाले, लेकिन Xiaomi के कुछ फ़ोन्स हैं जो मिल जाएंगे आपको शायद इसी प्राइस रेंज में फुल HD+ डिस्प्ले के साथ में, तो वो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। ज़्यादातर लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन अगर मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है वो आपके लिए। दूसरी बात है यहाँ पर कि कैमरे इतने अच्छे नहीं है। बस यहाँ पर एक बात कह दूंगा कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया कैमरे आपको मिलना मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा हम रियलमी को माफ़ कर सकते हैं। तीसरी बात है कि ये 6000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी मोटा है, काफ़ी भारी भी है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक हाथ से फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग वगैरह कम करते हैं, यानी एक हाथ से फ़ोन कॉल, मैसेजेस और जितने भी काम करने हैं, लेकिन लैंडस्केप मोड में कम यूज़ करते हैं, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको दिक्कत दे सकता है। उसका एडवांटेज ये है कि बैटरी बहुत चलती है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि फ़ोन बहुत भारी हो चुका है, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप ही देख लीजिए कि आपको ये स्मार्टफोन लेना है या नहीं। कमेंट करके मुझे बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि Realme ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट में। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadget360.com पर जरूर जाइए।